तो हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के साथ एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। और आज देखिए हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। मैं और मेरी देवरानी जो अभी आ रही हैं वो मेरी हेल्प करेंगी। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं लौंग लत्ता। तो गाइज, आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि शुरू से लेकर लास्ट तक देखें हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या लगता है उसमें। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। और देखिए, अभी हम दूध से बनाएंगे, मतलब दूध का खोआ बना के उसमें डालेंगे लौंग लत्ती में। तो देखिए, अभी हम आग से बना रहे हैं आज, क्योंकि गैस तो ज़्यादा लग जाएगा ना, बहुत काम है, तो इसलिए हम आग से बना रहे हैं। तो अभी ये दूध को जलाकर खोआ बनाएंगे, फिर उसमें डाल के बनाएंगे लौंग लत्ता। उसमें बना रहे थे तो, लेकिन वो टूट गया, तो मेरी सासू माँ ईंट का चूल्हा बना दी, तो अभी इसी में बना रहे हैं। कोई नहीं, देखते रहिए आप लोग। तो गाइस, जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम अपना डो बना लेते हैं। तो ठीक है, बनाते हैं। चलिए, इसमें हम डालेंगे अभी मैदा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे आधा केजी मैदा ले लिया है, और इसमें डालेंगे ये ऑयल ताकि सॉफ्ट हो जाए। देखिए, ऑयल डाल के फिर इसमें डालेंगे कलर ताकि अच्छा रंग दे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, और इसको मिलाते हैं। इसका डो तैयार कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसको गूथ लेंगे आटा की तरह। इसमें देखिए हम कलर डाले हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसी तरह करके इसको ऐसे मसल मसल के सान लेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी हम डो बना के रेडी कर लिए हैं, और इसको इसी तरह 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि फूल जाए थोड़ा सा। और तब तक इसमें ध्यान देते हैं, ये जल्दी से बना लें। दोस्तों देखिए, ये मेरी देवरानी है, सेकंड नंबर वाली, अभी छोटे नंबर का तो शादी नहीं हुआ है। और ये देखिए, अभी चाशनी बना रही हैं, और हम लोग दोनों मिल के काम कर रहे हैं। देखिए गाइस, ये बनने वाला है, और उधर लोई तैयार कर रही हैं, और इधर देखिए कितना गर्मी लग रहा है। हम इतना मेहनत से बना रहे हैं, तो लाइक तो करके जाना है आप लोगों को, नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना मेहनत से बन रहा है, इतना गर्मी में आपके पास बैठ के बना रहे हैं। गाइस देखिए, जो दूध का खोआ था वो हम लोग रेडी कर लिए हैं, और इसमें डाल रहे हैं अभी चीनी थोड़ा सा, और ये डालेंगे इलायची पाउडर ताकि सेंट अच्छा आए और टेस्टी भी लगे। और इसमें डालेंगे काजू, किशमिश, बादाम। तो इसको खोल लेते हैं। देखिए, ये काजू डाल देते हैं इसमें, और ये थोड़ा सा किशमिश डाल देते हैं, और ये बादाम तो काटना पड़ेगा, तो अभी काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बादाम मैंने काट लिया, और इसमें ये भी डाल देते हैं, और इसको मिक्स करते हैं। देखिए, पूरा दूध है, कितना टेस्टी लगेगा खाने में। और बहुत अच्छा सेंट आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें इलायची डाले हैं ना। और इधर देखिए, अभी देखिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं लौंग लत्ती।
इसके चारों तरफ से पहले पानी लगा देते हैं, तब तो ये चिपकेगा। और फिर ये देखिए खोआ, खोआ को डाल देते हैं बीच में, और फिर इधर से ऐसे मोड़ देंगे, फिर इधर से ऐसे मोड़ देंगे, फिर इसको चिपकाएंगे, फिर इधर से मोड़ देंगे और इस साइड से ऐसे, और इसमें एक लॉन्ग लगा देते हैं। बन गया, देखिए कितना अच्छा बना दिए। वाओ, हमको आ गया बनाने। अरे अभी देखिए हम यहाँ पे दो बना के रेडी कर लिए हैं, और इसी तरह सारे को बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने पूरा लॉन्ग लत्ती बना के मतलब तैयार कर लिया है, और इधर ऑयल गरम हो रहा है और इसमें अभी पकाएंगे इसको, फिर उधर रखे हैं चाशनी, फिर उसमें डुबोएंगे, अभी वो ठंडा हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बनाते हैं। देखिए अभी हम इसमें डाल देंगे सारे को, और इसको पकने देते हैं। देखिए अभी इसके अंदर मैं डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर, और एक साइड से पक गया है, तो इसको पलट लेते हैं। या चला गया था। अरे हम लोग थारू है थारू। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों ये पक चुका है, और इसको उतार लेते हैं, और ये फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया है। हम तो छोटे छोटे बनाए थे, लेकिन ये फूल के कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा हो गया है। अब इसको डालेंगे चाशनी के अंदर, इधर है तो इसमें डाल देते हैं, और उसको चला देंगे। दाब देते हैं, दाबने वाला तो है नहीं, पाँव ना ले जातनी। तो देखिए दोस्तों फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया, न्यू रेसिपी हम बना लिए। ये है लॉन्ग लत्ती, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइज आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।